गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सेकंड, जिसके पार्ट नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं और पार्ट नंबर 8 तक हमने कर लिया। हम विद्युत रासायनिक सेल कर रहे थे। विद्युत रासायनिक सेल को 3 भागों में डिवाइड किया था। प्राथमिक सेल जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद में वापस चार्ज नहीं कर सकते, और सेकेंडरी सेल जिनको वापस चार्ज किया जा सकता है, और तीसरे हैं ईंधन सेल जो प्राथमिक सेल की तरह ही होते हैं। उनके अंदर रिएक्शन जो होती हैं वो एक दिशीय होती हैं, एक ही दिशा में होती हैं, और ईंधन खत्म होने के बाद में वो सेल काम करना छोड़ देते हैं। हमने द्वितीयक सेल के अंदर सीसा संचायक सेल को पढ़ लिया था। उसके बाद में अगला हमारा जो सेल आता है वो आता है ईंधन सेल, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। इसके ईंधन सेल में प्रयुक्त होने वाला जो इलेक्ट्रोड होता है या ऑक्सीकृत इलेक्ट्रोड जो होता है वो धातु का नहीं होता, बल्कि कार्बन का, हाइड्रोजन का या कार्बन मोनोऑक्साइड का या हाइड्रोकार्बन का प्रयुक्त करते हैं अपने, और किसी भी ईंधन गैस को प्रवाहित करवा करके एनोड पर ऑक्सीकरण करवाया जाता है और कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस करवाया जाता है, और विद्युत रासायनिक दहन से विद्युत का उत्पादन होता है। तो पहले मैं इसका सेल बनाती हूँ और उसके बाद में हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले
होता है वो एक प्रकार का ईंधन सेल होता है। यहाँ पर सेर अंदर इलेक्ट्रोड बनाया जाता है ग्रेफाइट का, दोनों तरफ से प्लेटिनम का वायर लगा हुआ है। एक कैथोड की तरह कार्य करता है और एक है एनोड की तरह कार्य करता है। ईंधन सेल का ज़्यादातर उपयोग अंतरिक्ष यान में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। और ये जो ईंधन सेल है इसमें दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, एक अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है और एक क्षारीय माध्यम में। तो अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाएँ, अम्लीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाएँ अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती हैं तो एनोड और कैथोड पर दोनों तरफ रिएक्शन अलग अलग होती है। एनोड पर, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड जो है वो नेगेटिव है और हम कौन सी गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2H2 जो होगा वो 4H पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड जो है उस पर क्या होती है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है। क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो कैथोड पर कौन सी गैस अंदर आती है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन गैस और प्लस में 4H पॉजिटिव और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन ये निकलते हैं, जुड़ते हैं इसके साथ में 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2H2O में और लिक्विड फॉर्म में, और किस में चेंज हो जाता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन। इसके बाद में ये इससे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ 2H2 प्लस O2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H2O में। इस प्रकार से ये जो अभिक्रिया होती है वो अम्लीय माध्यम में संपन्न होती है। उसके बाद में क्षारीय माध्यम में होने वाली अभिक्रियाएँ और क्षारीय माध्यम में विक्रियाएँ होंगी अलग अलग प्रकार से। सबसे पहले एनोड की विक्रियाएँ, एनोड की विक्रियाओं के अंदर क्या होता है, 2H2 लेंगे और 4OH नेगेटिव के साथ में रिएक्शन होगी। क्यों, क्योंकि क्षारीय माध्यम में अभी विक्रियाएँ कर रहे हैं और क्षारीय माध्यम में विक्रियाएँ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, OH नेगेटिव को लिया जाएगा और ये किस में चेंज हो जाएगा, H2O में चेंज हो जाएगा और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, और वाटर के 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में कैथोड पर रिएक्शन होगी और कैथोड पर रिएक्शन होने के दौरान यही 4 इलेक्ट्रॉन कैथोड के द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे और कैथोड पर क्या आ रही है, ऑक्सीजन गैस आ रही है। तो ऑक्सीजन लेंगे और प्लस में 2H2O लेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये ग्रहण करेंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, 4OH नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। क्या बना देंगे, 4OH नेगेटिव। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। और उसके पश्चात यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन, 4OH से 4OH कैंसिल और ये 2, तो यहाँ पे 2H2O बच जाएगा और इधर 2H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन करेंगे और टोटल रिएक्शन इस प्रकार हो जाएगी। तो टोटल रिएक्शन के अंदर 2H2O बन जाएगा। तो ये थी अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया। अम्लीय माध्यम में 2H2O 4H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ऑक्सीडेशन होता है। O2 और 4H पॉजिटिव और 4 इलेक्ट्रॉन 2H2O रिडक्शन हो जाता है, H2 प्लस O2 2H2O। क्षारीय माध्यम में होने वाली विक्रिया 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, 4H2O बनाता है और 4 इलेक्ट्रॉन
ओ टू प्लस टू एच टू और चार इलेक्ट्रॉन, फोर ओ एच नेगेटिव में चेंज आता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टू एच टू प्लस ओ टू टू एच टू ओ में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ईंधन सेल के अम्लीय और क्षारीय माध्यम में अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के अंदर जितने टाइप के सेल या जितने टाइप के इलेक्ट्रोड थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। ये हमारा विद्युत रासायनिक सेल भी कंप्लीट हो गया। अब एक आधे टॉपिक छोटे छोटे और बचे हैं, उसके बाद में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, शायद नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाए, नहीं तो फिर अगली क्लास में तो पूरा हो ही जाएगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होती है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोला जा सकता है इसको, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पोटेंशियल को बताने वाला जो होता है वो पीएच मीटर होता है। यहाँ पर आरहेनियस ने एक सिद्धांत दिया था, जिसे आरहेनियस का सिद्धांत कहा जाता है। आरहेनियस ने ये कहा था कि जो एच पॉजिटिव आयन देते हैं वो तो एसिड होते हैं, और जो ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे हमारे पास HCl है और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, तो ये क्या है, एसिड है, ठीक है। हमारे पास H2SO4 है जो क्या कर रहा है, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में टूट रहा है, तो ये H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो ये क्या है, एसिड है। तो आरहेनियस ने ऐसा ही कहा था कि वे पदार्थ जो H पॉजिटिव त्यागते हैं वो तो एसिड होते हैं, और जो OH नेगेटिव त्यागते हैं वो बेस होते हैं। जैसे NaOH, ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनाते हैं, OH नेगेटिव दे रहे हैं इसलिए ये क्या है, बेस है। NH4OH, ये क्या कर रहे हैं, NH4 पॉजिटिव बना रहे हैं और प्लस में OH नेगेटिव ये बना रहे हैं, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो इस प्रकार जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो बेस होते हैं, ये डिसाइड कर दिया आरहेनियस ने। लेकिन हमें ये तो बता दिया कि ये अम्ल होता है या ये क्षार होता है, तो हमें ये भी करने की ज़रूरत होती है कि कौन सा प्रबल अम्ल होता है, कौन सा प्रबल क्षार, कौन सा दुर्बल। तो हम इनको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आयनन की मात्रा लेते हैं, आयनन की मात्रा के आधार पर डिसीजन लेते हैं। किसकी मात्रा के आधार पर, आयनन की मात्रा के आधार पर। जो जितने जल्दी एच पॉजिटिव आयन देगा वो, जो जितना ज़्यादा जिसका आयनन होगा या जिसका पूर्णतः आयनन होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है, और जिसका पूर्णतः आयनन नहीं होता वो क्या होता है, दुर्बल होता है। जैसे HCl, ये पूर्णतः आयनित होता है, ये क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है, तो इसलिए ये क्या माना जाता है, स्ट्रोंग एसिड माना जाता है, क्या माना जाता है, स्ट्रोंग एसिड माना जाता है। और इसी प्रकार CH3COOH, ये CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है, तो इसको क्या कहा जाता है, वीक एसिड कहा जाता है, इसको वीक एसिड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड है, तो इसके स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए जो स्थिरांक काम में लिया जाएगा Ka1 हो जाएगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है, और बोन में HCl, ठीक है। और इसके लिए Ka2 काम में लिया जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग CH3COO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH3COOH। यहाँ पर Ka का मान, Ka1 का मान Ka2 से क्या है, अधिक है, अधिक है, तो इसका मतलब
जो के ए वाला है उसका आयनन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और के ए टू का आयनन कम होता है। तो इस आधार पर जो ये HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो CH3COH है वो बीक एसिड है, सॉरी बीक एसिड है। के ए के जो ऋणात्मक लघुगुणक होते हैं, के ए के जो ऋणात्मक लघुगुणक होते हैं उनको PKa कहा जाता है, और PKa का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। और बेस के लिए Kb और KB के लिए जो लघुगुणक का मान होता है वो भी PKb होता है, उसका मान जितना कम होगा वो उतना ही बेस सामर्थ्य का होगा। कोई अम्ल बिलियन में कितने प्रोटॉन मुक्त कर सकता है वो उसकी अम्ल सामर्थ्य होती है, और कोई बेस किसी विलयन के अंदर कितने OH नेगेटिव आयन त्याग कर सकता है वो उसकी क्या होती है, क्षार सामर्थ्य होती है। तो और एक इसके अलावा वाटर के लिए जल KW काम में लिया जाता है, जिसको बोला जाता है आयनिक गुणनफल। क्या बोला जाता है? आयनिक गुणनफल। तो यहाँ पर pH क्या होता है, पी सोरेनसेन नामक वैज्ञानिक ने pH ज्ञात करने के लिए pH मीटर दिया था, और जिसको 0 से 14 तक के आंकड़ों के रूप में इस प्रकार से शो किया जाता है, इसको इस प्रकार से। ये उदासीन पॉइंट होता है 7 0 1 2 3 4 5 और 6 8 9 10 11 12 13 और 14। ये पूसेंस शब्द से लिया गया है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था pH मीटर को। pH स्केल दिया था 0 से 14 तक था, 0 से 7, 7 मतलब 6.99 तक क्या होता है अम्लीय नेचर का, और 7 पर उदासीन, और 7 के बाद में क्षारीय नेचर का होता है। इनके अंदर अम्लीयता या क्षारीयता के अकॉर्डिंग एच पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन का क्रम इस प्रकार होता है। धीरे धीरे हम इधर जाते हैं तो एच पॉजिटिव आयनों की सामर्थ्य कम होती जाती है, और OH नेगेटिव आयनों की सामर्थ्य बढ़ती जाती है। जहाँ पर एच पॉजिटिव आयन की सामर्थ्य ज़्यादा होगी वो एसिडिक नेचर का होगा, और जहाँ OH नेगेटिव आयन की सामर्थ्य ज़्यादा होगी वो बेसिक नेचर का होगा। और 7 को उदासीन मान लिया जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एच पॉजिटिव आयन की सामर्थ्य ज़्यादा तो वो एसिडिक नेचर का, क्यों? क्योंकि एच पॉजिटिव आयन की मात्रा ज़्यादा होती है, pH का मान जितना कम होगा वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय नेचर का होगा, और pH का मान जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही क्षारीय नेचर का होगा। तो ये एक pH स्केल के द्वारा शो किया जाता है। pH स्केल के अकॉर्डिंग इसके अंदर pH को इस प्रकार शो किया जाता है, माइनस लोग एच पॉजिटिव आयन, माइनस लोग एच पॉजिटिव आयन। pH निकालना हो तो हम इसको इस प्रकार से शो करते हैं। अगर हमें pOH निकालना हो तो हम इसको माइनस लोग OH नेगेटिव से शो करते हैं, और जो pH पॉजिटिव और pOH जो होता है वो किसके बराबर होता है, टोटल 14 के बराबर होता है। तो इस प्रकार इनके द्वारा हम pH या pOH की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें pOH की वैल्यू ज्ञात होगी तो इस फॉर्मूले से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। H पॉजिटिव का जो मान होता है, H पॉजिटिव का जो मान होता है वो 1 × 10⁻⁷ होता है, और OH नेगेटिव का जो मान होता है वो 1 × 10⁻⁷ होता है। इस प्रकार जो दोनों का टोटल कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 × 10⁻¹⁴ के बराबर हो जाता है। तो इस आधार पर इनके मान ले सकते हैं। जैसे हमारे पास इनके द्वारा pH ज्ञात करना हो तो एक क्वेश्चन होता है कि
क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि 0.01 MHCl का विलयन है, उसकी pH ज्ञात करो। 0.01 मोलरता का HCl सॉल्यूशन है और उसकी pH ज्ञात करो। अब देखो 0.01 ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगी, पावर 2 लग जाएगी। तो इसको हम 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला ज्ञात करेंगे क्योंकि हमारे पास H है, तो pH बराबर माइनस लॉग H पॉजिटिव, ठीक है, ये फॉर्मूला काम में लेंगे। तो pH बराबर माइनस लॉग और H पॉजिटिव कितने हैं, 10 की पावर माइनस 2, और पावर आगे आएगी माइनस माइनस प्लस 2 लॉग 10, और लॉग 10 का मान 1 होता है, तो pH का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसलिए ये एसिडिक नेचर का है। अब मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि 0.01 मोलरता का NaOH का सॉल्यूशन है और उसकी pH ज्ञात करो। तो यहाँ पर बेस है, पहली बात तो 0.01 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो, 10 की पावर माइनस 2 लिख सकते हो। तो pOH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग pOH और उसकी जगह माइनस 2, पावर आगे आएगी तो 2 लॉग 10 हो जाएगा, और 2 लॉग 10 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो pOH का मान आ गया 2, ना कि pH का। अब एसिड का निकालते तो सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन बेस का निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को भी काम में लेना पड़ेगा। हमें pH निकालना है, तो 14 माइनस pOH कर सकते हो आप, और pOH का मान कितना आ गया, 14 माइनस 2, तो pH कितना आ गया, 12 आ गया। pH का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस फॉर्मूले को काम में लेकर के हम क्या कर सकते हैं, pH ज्ञात कर सकते हैं। और ये pH मीटर किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, जिसने 6.99 या 6.99 को तो एसिडिक नेचर का माना था, और 7 के बाद 14 तक को बेसिक नेचर का माना था। जहाँ H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता ज़्यादा होती है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जहाँ OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता अधिक होती है वो बेसिक नेचर का होता है, जिनके द्वारा हम pH की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में आता है बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशन या बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन ऐसे विलयन होते हैं जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, पीएच को परिवर्तित ही नहीं होने देते। हम क्या करें, एसिड डाल दें, मान लो हम ये सोचे एसिड डाल देंगे तो हमारा जो पीएच होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, विलयन एसिडिक नेचर का होगा तो पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन जो बफर सॉल्यूशन है उसके अंदर जो प्रेजेंट आयन होते हैं वो एसिड वाले, हम एसिड डाल रहे हैं उनके जो आयन है उनके साथ रिएक्शन कर लेंगे और हमारे पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। तो ऐसा विलयन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता, वो विलयन क्या कहलाता है, बफर विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, बफर विलयन। फिर हम सोचे चलो एसिड डालने से तो चेंज नहीं हो, हम क्या करते हैं, बेस डाल देते हैं। बेस डालते हैं तो बफर सॉल्यूशंस क्या करता है, अपने अंदर उपस्थित आयनों के साथ और जो बेसिक आयन्स होते हैं उनके साथ रिएक्शन करता है और पीएच को परिवर्तित नहीं होने देता। तो ये विलयन क्या होता है, बफर विलयन होता है। बफर विलयन मेनली दो टाइप का होता है, तो हम बफर विलयन के प्रकार की बात करें, बफर विलयन के प्रकार, बफर विलयन के प्रकार दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशंस, और दूसरा होता है मिक्स्ड
सिंपल बफर सॉल्यूशन और दूसरा होता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस। सिंपल बफर सॉल्यूशन जो होता है वो किसी भी पदार्थ का जो विलयन होगा वो बफर की भांति कार्य करेगा, उसे बफर सॉल्यूशन कहा जाएगा। जैसे हमारे पास CH3COONH4, ये हमारे पास इसको टुकड़ों में तोड़ोगे तो CH3CO- और NH+ इसमें टूट जाएगा, ये सिंपल बफर विलयन है। अब देखो हम क्या करते हैं, एसिड डालते हैं, एसिड डालने से एसिड क्या करेगा, H+ आयन देगा, वो H+ आयन CH3CO- के साथ में रिएक्शन कर लेंगे और CH3COH बना देंगे, ठीक है। और OH- आयन है वो NH+ के साथ में रिएक्शन करेंगे और क्या बना देंगे, NH4OH, क्या जाएगा, नो चेंज इन बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा विलयन जिसके पीएच परिवर्तन का विरोध करता हो वो सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन होता है। ये सिंपल बफर सॉल्यूशन था। अब मिक्स बफर सॉल्यूशन जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा या वीक बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इस तरीके के जो बफर सॉल्यूशन बनते हैं वो होते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं एसिड बफर सॉल्यूशंस, एक तो क्या हो जाएंगे, एसिड बफर सॉल्यूशंस, एसिड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। और दूसरे क्या हो जाएंगे, बेसिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। एक तो होते हैं एसिड मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं बेसिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास CH3COON है, ठीक है, और इसको आयनों में तोड़ रहे हैं हम, तो CH3CO- और प्लस Na+ में टूट जाएगा, ठीक है। अब एसिडिक नेचर का हो, एसिड के लिए क्या करेंगे, H+ आयन लेंगे, ये क्या करेगा, CH3CO- के साथ में रिएक्शन करेगा और CH3COOH बना देगा, और बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो OH- प्लस Na+, इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, NaOH बना देगा। ये क्या होता है, एसिडिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशंस होता है, जिसको CH3CONa और इसको तोड़ेंगे तो CH3CO- और Na+ में टूट जाएगा, और एसिड के साथ मिलाएंगे तो H+ CO एसिड बना लेगा और OH- के साथ मिलाएंगे Na को तो NaOH बना लेगा। ये होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, जिसके अंदर क्या होता है, नो चेंज इन बफर सॉल्यूशंस। दूसरा होता है मिक्स्ड बेसिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। बेसिक मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन के अंदर आता है NH4Cl और ये NH4+ और Cl- में टूट जाता है, NH4+